बिहार में मायावती ने 11 जगहों पर उतार दिया उम्मीदवार। तेजस्वी का छूटा पसीना, लालू यादव का खेल हो गया खराब। नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भी मायावती ने किया हमला। बीएसपी के एक दाव से टेंशन में है लालू, नीतीश और तेजस्वी। बिहार के चुनावी मैदान में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बिहार की 11 और सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बसपा की ओर से जारी लिस्ट में जहानाबाद सीट से पूर्व सांसद अरुण कुमार, बक्सर से अनिल कुमार चौधरी, सासाराम से संतोष कुमार, काराकाट से धीरज कुमार सिंह, वैशाली से शंभू कुमार सिंह, मधुबनी से विकास कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर विजयेश कुमार, सारण से डॉक्टर अविनाश कुमार, हाजीपुर से शशि स्वराज, पूर्वी चंपारण से सत्यम यादव और शिवहर से विजेंद्र ठाकुर को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले बसपा ने बिहार की 19 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बता दें कि बसपा ने बिहार में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कथित तौर पर मायावती के उम्मीदवार सबसे ज्यादा लालू यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। मायावती का बेस वोट हमेशा दलित रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। एनडीए को उतना खतरा नहीं है जितना लालू यादव को है। यदि बक्सर में बीजेपी और स्थानीय उम्मीदवार आईपीएस आनंद की लड़ाई में आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को सफलता मिलती, मायावती के उम्मीदवार उतारने से अब उसकी संभावना कम है। वोट डिवाइड होने के बाद सुधाकर की सफलता निश्चित नहीं है। काराकाट से मायावती ने धीरज कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम को इसका घाटा होगा। इसका सीधा फायदा उपेंद्र कुशवाहा को होगा। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट एकमत हो जाएंगे। जनता में ये संदेश जाएगा कि पवन सिंह से लेकर बाकी उम्मीदवार एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में मैदान में है। दूसरी ओर जहां तक सारण लोकसभा सीट का सवाल है, सारण में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। बसपा के उम्मीदवार उतारने से आरजेडी को पूरी तरह घाटा होगा, वोट पूरी तरह बढ़ जाएंगे और राजीव प्रताप रूडी का रास्ता आसान हो जाएगा। बसपा ने इंडिया ब्लॉक के समझौते के तहत कोई काम नहीं किया है। बहन जी अकेले चलने में विश्वास रखती हैं। बहन जी की वजह से अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परेशानी होगी। मायावती ने 11 प्रत्याशियों के लिए उन सीटों का चुनाव किया जहां आरजेडी को लगता था कि सीधे फाइट बीजेपी से है, एनडीए से है। अब ऐसा नहीं है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बसपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ये सभी लोग कुल मिलाकर इंडी गठबंधन का ही नुकसान करेंगे। बसपा की रणनीति आगे क्या होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहन जी की रणनीति फिलहाल बीजेपी विरोधी पार्टियों को टेंशन में डालने के लिए काफी है। बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। यूपी के साथ बिहार में भी बसपा ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। मायावती ने बिहार की सियासत में एंट्री मारते हुए पहले चरण में होने वाले बिहार की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब 11 सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। इससे राजद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं।